For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. Hey everyone, welcome back to the Nara classes. This is your mentor Yash and here we are in our complete Java course. So last lecture में हमने पढ़ा था कि हम लोग if statement को कैसे use करते हैं, if else को कैसे use करते हैं, दोनों में difference क्या होता है, और हमने बहुत सारे examples भी देखे थे कि हम लोग अपने code में कैसे run कर सकते हैं, कैसे वो work करते हैं. Now आज के lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं ternary operators. तो basically ये जो if else वाला statement था ना, इसको replace करने के लिए एक single line of code लिखा गया और उसे हम कहते हैं ternary operator. और ये टर्नरी ऑपरेटर जो होता है, ये तीन ऑपरेंड्स को एक्सेप्ट करता है. अभी तक हमने दो ऑपरेंड्स को, यूनरी ऑपरेंड्स को पढ़ लिया था, अब हम लोग थ्री ऑपरेंड्स वाले ऑपरेटर को भी पढ़ने वाले. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. सो लेट मी गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था. बेसिकली हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, तो इफ हमारा एक कंडीशन को चेक करेगा ना, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता है, इन दैट केस हमारा जो इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है. और जब ये कंडीशन फॉल्स आ जाता है तो इफ वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. कौन से ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, ये जो एल्स वाला ब्लॉक है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. तो ट्रू होने पे ये इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स होने पे ये एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर ये क्लियर नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स चाहिए समझने के लिए, तो आप लास्ट लेक्चर का रेफर कर सकते हो. नाउ ये हम लोग फ्लो चार्ट से भी लास्ट लेक्चर में समझे थे कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ इफ, फॉल्स होता है तो बॉडी ऑफ एल्स, और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ एल्स ब्लॉक के बाद वो सिंपली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टर्नरी ऑपरेटर. तो जावा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कि ये एक ओनली कंडीशनल ऑपरेटर होता है जो कि तीन ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है. आई होप ऑपरेंड्स का मतलब आपको क्लियर होगा. मैंने बहुत लेक्चर्स में इसको बताया कि ऑपरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है ना, उनको हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं, राइट. तो ये तीन ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है. नाउ इट इज वन लाइनर रिप्लेसमेंट फॉर द इफ देन एल्स स्टेटमेंट. तो हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ा था, उसको ये एक लाइन में ही रिप्लेस कर देता है, राइट. वो कैसे करता है, तो हम लोग सिंटैक्स को पहले देखते हैं. तो ये हमारा सिंटैक्स होता है कि कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन कोलोन एक्सप्रेशन टू, ठीक है. तो होगा क्या कि आप यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन दोगे, ठीक है, जैसे कि आप इफ वाले में देते थे. तो सबसे पहले यहाँ पे वही कंडीशन दोगे, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, एंड देन आपको लिखना है एक्सप्रेशन वन. अभी एक्सप्रेशन वन क्या होने वाला है, कि जब आपका कंडीशन ट्रू होगा ना, तब ये एक्सप्रेशन वन इवेल्युएट होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा, तब हमारा एक्सप्रेशन टू जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. तो इसे हम फ्लो चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं कि पहले हमारा क्या होता है, कि कंडीशन चेक होता है, ठीक है. अगर कंडीशन ट्रू होता है, इन दैट केस एक्सप्रेशन वन इवेल्युएट होता है. अगर ये कंडीशन फॉल्स आता है, इन दैट केस हमारा एक्सप्रेशन टू इवेल्युएट होता है, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू में से कोई एक ही इवेल्युएट होगा. और यही चीज़ हमारे इफ एल्स वाले में भी होता था. इफ एल्स में क्या होता है, कि कंडीशन जब ट्रू होता है तब ये वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, जब कंडीशन फॉल्स होता है तब ये वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे. तो दोनों क्या कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सिंटैक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर यूजिंग आवर एडिटर. सो हियर वी आर इन आवर एडिटर. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग लास्ट लेक्चर में वर्क कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग. एंड इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना मेन मेथड को क्रिएट करेंगे. नाउ विल राइट द सेम प्रोग्राम जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि अगर मेरा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 60 आता है तो मैं पास हो जाता हूँ, और अगर मेरा मार्क्स लेस देन 60 आता है तो मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है. आई विल राइट दैट इन शॉर्ट फॉर्म, कि अगर मेरा जो मार्क्स है वो लेस देन 60 आते हैं, इन दैट केस मैं क्या हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ, और मुझे ये प्रिंट करना है. और अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 60 आता है, इन दैट केस मैं क्या हो जाता हूँ, कि मैं पास हो जाता हूँ, ठीक है. तो ये हमारे प्रोग्राम होने वाला है, ये प्रिंट करेगा पास या फिर फेल हो आप. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारे मार्क्स को स्टोर करेगा, राइट. इसमें अभी मैं 50 स्टोर करवा दे रहा हूँ. फिर पहले मैं आपको इफ स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ, इफ एल्स वाले, और फिर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे ये बहुत ही छोटा या फिर एक लाइन में कैसे समराइज़ हो रहा है. तो मैं इफ़ स्टेटमेंट को लिखता हूँ,
सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखने वाले हैं, जो हमारा मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है, इन दैट केस जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग वो लिखने वाले हैं कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे आप कौन सा कोड लिखने वाले हो जो कि एग्जीक्यूट होगा जब हमारा कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर इफ के बाद आपको एल्स लिखना है, और फिर इस एल्स वाले ब्लॉक के अंदर, ये जो ब्लॉक है ना, ये एल्स वाला जो ब्लॉक है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको वो कोड लिखना है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तब ये वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो मार्क्स ग्रेटर देन 60 के लिए हमें पास को प्रिंट कराना है अपने स्क्रीन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पे पास को प्रिंट करा देंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तब हमें फेल प्रिंट कराना था, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट कराना है, फॉल्स। तो वो हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो हम लोग ये एल्स वाले ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फेल। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अभी हमारा मार्क्स 50 है, ठीक है, तो मार्क्स 50 है तो ये कंडीशन फॉल्स होगा ना, तो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आएगा और यहाँ पे फेल प्रिंट होगा। ठीक है, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली वो एल्स के पास जाएगा और एल्स के पास यहाँ पे क्या था, एक प्रिंट स्टेटमेंट था, वो प्रिंट कर देगा फेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और इनपुट दे के देखता हूँ, 100। नाउ इन दिस केस हमें पास आउटपुट आना चाहिए, तो हमारा आउटपुट पास आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ। फाइन, ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड द टर्नरी ऑपरेटर, कि उसको यूज़ करके हम लोग ये जो पूरा इफ एल्स वाला ब्लॉक है इसको कैसे एक लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैंने ये इंट मार्क्स वाला जो वेरिएबल इसको कमेंट आउट कर दिया, मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका तो मुझे यूज़ करना ही है। तो मैंने ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल था इसमें मैंने 100 अभी स्टोर करके रखा है, ये हमारा कमेंट से बाहर हो गया। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिंटैक्स अगर फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो सिंटैक्स होने वाला है टर्नरी ऑपरेटर का वो क्या है। तो वो बेसिकली आपको पहले यहाँ पे कंडीशन लिखना है अपना, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है, और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, फिर जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन वन में क्या लिखना है, कंडीशन ट्रू होने पर क्या एग्जीक्यूट हो, और फिर आपको लिखना है कॉलन देके एक्सप्रेशन टू। अब ये एक्सप्रेशन टू कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंडीशन क्या आता है, फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होगा, जब ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नाउ इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग यूज़ करने वाले, तो हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि मार्क्स तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 60 है तुम पे पास प्रिंट करना है, अगर नहीं है तो फेल प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमारा कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये हमारा कंडीशन था। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होने पे हमें क्या प्रिंट करना है, हमें पास को प्रिंट करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ओ सॉरी मुझे यहाँ पे क्या करना था, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो जब ये ट्रू है तो हमें पास प्रिंट करना है, और फिर कोलन देके आपको लिखना है जो कंडीशन फॉल्स होने पे प्रिंट हो, फॉल्स होने पे फेल प्रिंट करना है। ठीक है, नाउ ये जो पास और फेल है इसको हमें एक वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को बनाते हैं, और वेरिएबल का नाम होने वाला है यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, तो होगा क्या, बेसिकली पहले ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है ये जो पास वाला स्ट्रिंग है ये रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। कंडीशन जब चेक होता है और फॉल्स आता है तो ये जो फेल वाला स्ट्रिंग है ये हमारे रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि अपने रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, सिंपल। तो हमारा भी मार्क्स क्या है, हमारा मार्क्स अभी 100 है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
100 पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, ये जो पास पास वाला स्ट्रिंग है, ये जो पास वाला स्ट्रिंग है ये हमारे रिजल्ट में चला जाएगा, सेव हो जाएगा, और फिर रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं मतलब पास प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया कि हमारा जो ये इतना लंबा चौड़ा इफ वाला इफ एल्स वाला ब्लॉक था, इसको हमने सिंपली एक लाइन से रिप्लेस कर दिया है। तो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर का इंपॉर्टेंस पता होगा, आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हो, हमारे असाइनमेंट्स में आप वहाँ पे देख सकते हो, राइट।